बुर्का पहने मुंह छुपाता ये महाशय कोई चोर नहीं है, लेकिन ये महाशय धर लिए गए हैं। महाशय बुरहानपुर के सेवा सदन कॉलेज में आए थे, बुर्का पहनकर छात्राओं के बीच में बैठ गए थे। इनकी कदकाठी भी ऐसी कि ये लड़कियों में खप भी जाते, लेकिन भला हो एक कॉलेज स्टाफ का जिसकी पारखी नजर से ये महाशय बच नहीं पाए और इन्हें कॉलेज प्रशासन ने दबोच लिया। जब इनसे बुर्के में आने की वजह पूछी गई तो ये सकपका गए और उनकी बोलती बंद हो गई। लड़की से मिलने आए थे आप? नहीं। फिर मतलब मकसद क्या था, बुर्का पहन के क्यों आना पड़ा? कहाँ रहते तुम? कहाँ रहते? कहाँ? फिलहाल कॉलेज में बुर्के में एक युवक के आने की खबर सुन कॉलेज में हड़कंप मच गया। आनन फानन में पुलिस को बुलाया गया और पुलिस इन्हें पकड़कर थाने ले गई। हमारा शासन के आदेश अनुसार कॉलेज चालू हुआ है और पूरे कोविड के पूरे नियमों का पालन करते हुए महाविद्यालय 50% क्षमता के साथ चल रहा है। एक बुर्का पहन करके एक लड़का कॉमन रूम की तरफ जा रहा था, जिसको हमारे लेडी स्टाफ ने देखा और उसको थोड़ा डाउट हुआ, जूतों से उसको डाउट हुआ। उनके डाउट होने के बाद में उन्होंने हमारे स्टाफ से बताया कि सर ऐसा ऐसा है। उसी दौरान उसको पकड़ लिया गया, उस लड़के को, और उस मतलब जब चेक किया गया तो वो लड़का था, नकाब में लड़का आया था, उसका एडमिशन वगैरह भी कुछ नहीं है। और चूंकि हम लोग नकाब उठाकर वहाँ देख नहीं सकते, लेकिन हमारा पूरा स्टाफ पूरी जागरूकता के साथ में पूरे ध्यानपूर्वक सबको जांचता भी है, चेक भी करता है, जिसका आज परिणाम ये है हमारी जागरूकता का कि हमने वो नकाब वाले को जो लड़के के रूप में आया था हमने उसको पकड़ा। क्या मंशा थी उसके आने की? उसने ऐसा इस तरीके से कुछ बोला नहीं है कि क्या थी, बस उसने ये कहा कि मैं किसी से मिलने के लिए आया था। फिलहाल पुलिस अब इन महाशय की थाने में खातिरदारी करेगी, पूछताछ करेगी, तब शायद ये अपनी जुबान खोले और बुर्के में कॉलेज में जाने की वजह बताएं। लेकिन तब तक इनके कॉलेज जाने की वजह एक रहस्य ही रहेगा और जब इसका राज खुलेगा तब पता चलेगा कि आखिर ये कॉलेज क्यों गए थे। लेकिन फिलहाल यही अंदाजा लगाया जा रहा है कि शायद ये किसी महिला मित्र से मिलने कॉलेज बुर्के में गए थे।